नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे सेट पेपर नंबर 16। इससे पहले हम 15 सेट पेपर्स अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, आपको सारी प्लेलिस्ट में एक ही साथ में सारे सेट पेपर मिल जाएंगे। इस सेट पेपर में आपके लिए 30 क्वेश्चन प्लस एक सरप्राइज क्वेश्चन रहेगा। आपको अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, प्लस सरप्राइज क्वेश्चन का अगर आपसे आंसर आ रहा है तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेट पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? बताइए आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान उस्मान किस देश में आया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, वर्ण या संख्या का चयन करना है। इसमें से इन चार ऑप्शन में से क्या भिन्न है, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, गुस्सा इसमें से भिन्न है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों, बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मुस्कुराते हुए बुद्ध अर्थात स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नेम था? बताइए इन चार ऑप्शंस में से आपका आंसर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण वन परमाणु परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिस प्रकार ईमानदारी सच्चा से संबंधित है उसी प्रकार जो हठी है वह किससे संबंधित होगा? बताइए क्या होगा आंसर आपका। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अटल, हठी जो है अटल से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों, बात हो रही है एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की, तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? क्या होगा आंसर आपका, बताइए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए दोस्तों। चलिए देख लेते हैं राइट अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्रिस गेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर। साइंस का क्वेश्चन है, विद्युतीय प्रभाव को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो विद्युतीय प्रवाह को नापने के लिए जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, हरिहक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, कुणिक जो है अजात शत्रु को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है दोस्तों आपसे, भारत में बड़ी मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व पाया जाता है? आपके लिए आंसर बताना है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके लिए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थोरियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है 12th नंबर के क्वेश्चन में, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा, चार ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। बताइए आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों 13 नंबर के इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानव गुर्दे पथरी में पाया गया प्रमुख रासायनिक अवयव है। बताइए मानव के गुर्दे में कौन सी पथरी रूप में क्या पाया जाता है? चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्सलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों आपसे पूछा गया है, हाल ही में हिंदी विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? बताइए आपका आंसर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस जो है आपका वह 10 जनवरी को मनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जो किसे संदर्भित करता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो DNS जो है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, 16 महाजनपदों में कौन सा एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? आपके पास चार ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शन में पहला अवंती, दूसरा अशमक, तीसरा मत्स्य और चौथा जो है चैदी नाम का महाजनपद है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है। तो अशमक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ज़रूर बनना चाहिए। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? बताइए आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों बात हो रही है एक मिश्र धातु की, कांसा किसका मिश्र धातु है? बताइए आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों कांसा जो है तांबा एवं टिन का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों बात हो रही है ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? बताइए क्या होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों 10-28, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों हाइड्रोजन की खोज किसने की? बताइए क्या होगा आपका आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है। तो हाइड्रोजन की खोज जो है ऑप्शन नंबर बी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। 21 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? बताइए आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए।
चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप बोलचाल की भाषा में सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों बात हो रही है एक नदी के उपनाम की, तो कालिंदी नदी किस नदी का दूसरा नाम है, बताइए आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों हाल ही में चुनाव की प्रतिक्रियाएं चल ही रही हैं, तो उसी बीच एक चुनाव का क्वेश्चन हम ले ही आए, तो आपको बताना है भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको सीरीज देखनी है। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर इन चार ऑप्शंस में से क्या आएगा आपको बताना है। चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर आ जाएगा, आप जरूर बताइएगा सीरीज पूरी कैसी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सिग्मो क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो सिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है आपसे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी 24th of April इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या पूछा गया है। 28 नंबर के क्वेश्चन में दाब का SI मात्रक क्या होता है, बताइए आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा स्क्रीन पर। दोस्तों बात हो रही है इलाहाबाद बैंक की, तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहां पर है ये आपको बताना है, बताइए क्या होगा आंसर आपका। चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23rd of April। दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन आपके सेट पेपर के, इसका स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा आपके कितने नंबर आए। अब ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन, तो सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। 10 रुपये की राशि को साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, प्रत्येक 1 रुपये की 11 मासिक किस्तों में लौटाया जाना है, ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, टेस्ट पेपर अच्छा लगा हो, तो पूरी सीरीज ज़रूर एक बार लगाएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेस्ट पेपर को अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।